देखिए, निश्चित रूप से बिहार का विपक्ष कमजोर हो रहा है, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। ये कुर्सी का खेल बिहार का कभी विकास नहीं होने देगा। नमस्कार, मेरा नाम आलोक है, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। बिहार में चुनाव होने हैं, लेकिन सत्ता पक्ष जो है यह कह रहा है कि सामने विपक्ष है ही नहीं। क्या बिहार का विपक्ष सही में कमजोर हो गया है? इस वक्त हमारे साथ जनतांत्रिक विकास पार्टी के अध्यक्ष अनिल कुमार जी हैं। आप लोग अक्सर कह रहे हैं, हुंकार भर रहे हैं, नीतीश कुमार को हटाएंगे, जनता उखाड़ फेंकेगी, हम सत्ता परिवर्तन कराएंगे। जब बिहार का विपक्ष कमजोर हो रहा है, क्या आप ये मानते हैं? तो कैसे हो पाएगा? देखिए, निश्चित रूप से बिहार का विपक्ष कमजोर हो रहा है, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। और कमजोरी का अगर कोई अस्पष्ट कारण है तो विपक्ष के एक नेता को खुद का ये मानना कि मैं मुख्यमंत्री बन चुका हूँ, कि मैं मुख्यमंत्री बन चुका हूँ, अब हमें किसी की ज़रूरत नहीं है। तो जहाँ ये अपने आप में मुख्यमंत्री विपक्ष में रहते हुए हमें बनने का अगर सपना देख लिया, तो निश्चित रूप से लक्ष्य कमज़ोर होता है, लक्ष्य तक हमारी पहुँच जो है वो कमज़ोर पड़ जाती है, ढीली पड़ जाती है। और यहाँ भी यही देखने को मिल रहा है कि नीतीश कुमार की 15 साल की नाकामियाँ, नीतीश कुमार के 15 साल का विनाश, हमारी मजबूती होनी चाहिए थी, विपक्ष को मजबूत करने की ज़रूरत थी कि नीतीश कुमार 15 साल में कहाँ कहाँ फैल रहे हैं, किस किस जगह पर फैल रहे हैं। लेकिन विपक्ष पूरी की पूरी अपनी गोलबंदी में लगी है, अपने साथियों को निपटाने में लगी है कि हम ऐसे निपटा लेंगे। और अभी तक चुनाव सामने आ गया, विपक्ष का सीट शेयरिंग नहीं होना, ये बताता है कि विपक्ष निश्चित रूप से एक तरफ हमें तो लगता है कि ख़त्म, धराशायी हो गया है। तो क्या अनिल कुमार को लगता है कि विपक्ष के साथ मिलकर विपक्ष को मजबूत करना चाहिए था? क्या प्रयास आपने किया पहले? देखिए, हमने जो प्रयास करना था कि अगर हमारी विचारधारा की अगर कोई दल थी उसके साथ आने का हमें किए था कि हमारी विचारधारा जो है उस विचारधारा में शोषित दलित वंचितों को बचाने की, बिहार का उत्थान का, बिहार के में उद्योग लगाने का, बिहार में से बाहर जो हमारे लड़के जा रहे हैं, लड़कियां जा रही हैं नौकरी के लिए, उन्हें बिहार में उद्योग धंधे लगा करके बिहार में रोकने का हमारा एक संकल्प है और हम उसी योजना के तहत बिहार में काम कर रहे हैं। लेकिन विपक्ष की जो पार्टियां थीं उनको कुर्सी चाहिए, उनको संघर्ष नहीं चाहिए। एक तो मत कहिए, क्योंकि सभी को चाहिए। हम अगर बात करें, कांग्रेस को चाहिए, आरजेडी को चाहिए, वीआईपी को चाहिए, आरएसपी, सबको चाहिए। ये कुर्सी का खेल बिहार का कभी विकास नहीं होने देगा। हमें कुर्सी नहीं, हमें बिहार का विकास चाहिए। इसलिए हमने कहा था कि बिहार के विकास के लिए अगर हमारी विचारधारा के दल होंगे साथ में, हम उनके साथ होंगे, बात करेंगे। तो सामने में जैसे जैसे हम खुल के बात करें, नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव हो, उपेंद्र कुशवाहा हो, कांग्रेस पार्टी हो, मदन मोहन झा यहाँ के अध्यक्ष हैं, मुकेश सहनी हो, तो क्या चारों में जिस तरीके से तालमेल, क्या नहीं दिख रहा है क्या? देखिए, उन चारों के अंदर क्या तालमेल है नहीं है, मैं उस पर कुछ नहीं कहना चाहूँगा। बट इतना ज़रूर कहना चाहूँगा कि बिहार के लोगों को, बिहार के 13 करोड़ जनता का, 13 करोड़ आवाम का जो सोच था, ये राजनीतिक पार्टियां जो विपक्ष हैं, तथा कथित विपक्ष हैं, वो वहां नहीं पहुंच पा रही हैं। उनकी सोच को कैसे आगे ले जाया जाए, उन 13 करोड़ आवाम को कैसे राहत पहुंचाई जाए, बाढ़ में कैसे जो लोग डूब रहे हैं, 15 साल से लगातार डूब रहे हैं, उनको कैसे बचाया जाए, ये अगर प्लान नहीं करेंगे, केवल अपनी कुर्सी की खींचतानी करते रहेंगे, तो निश्चित रूप से विपक्ष आवे या पक्ष रहे कोई मतलब नहीं बनता। मतलब तो साफ आप कहना चाह रहे हैं कि अगर इस तरीके से विपक्ष कमजोर रहा, अगर साफ शब्दों में हम समझे, तो नीतीश कुमार फिर दोबारा लौट जाएंगे? निश्चित रूप से अगर विपक्ष इन सारे बिंदुओं पर नहीं ध्यान दे रहा है, नहीं देगा, तो निश्चित रूप से नीतीश कुमार फिर से मुख्यमंत्री बन सकते हैं, इसमें कहीं कोई शंका नहीं है। कुल मिलाकर हम अगर बात करें, विपक्ष लगातार कह रहा है कि एनडीए में सब कुछ ठीक नहीं है, लेकिन अनिल कुमार जो कि जनतांत्रिक विकास पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने ही आईना दिखाया है कि कुछ बिंदुओं पर समझौता करना होगा। जो विपक्ष के तथाकथित बड़े नेता हैं, उन्हें वक्त रहते ये समझना होगा, क्योंकि अगर एक बार वक्त निकल गया तो मौका 5 साल बाद ही आता है। आप लाइव स्ट्रीम से बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें। धन्यवाद।